जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और एक बहुत चौंकाने वाली खबरें आ रही है। आपको बता दें, ऐसा लग रहा है मानो जो बड़े बड़े नौकरशाह है और आईएएस ऑफिसर है, वो उनके जो दिन है स्पेशली झारखंड में बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे। हमने निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की खबरें लगातार आपको दिखा रहे कि कितनी मुश्किल से वो जूझ रही है, अपने बच्चों के लिए रो रही है, लेकिन उनको बेल नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही अब दूसरा खबर जो आ रहा है, अब एक दूसरे आईएएस ऑफिसर है जिनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि खूंटी के एसडीएम है सैयद रियाज। जी हाँ, सैयद रियाज है जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया है। एसपी ने कहा कि हमने इनसे पूछताछ की। आपको बताते चले पूरा जो ये मामला क्या है, आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि क्यों एक आईएएस ऑफिसर को रातों रात गिरफ्तार किया गया है। मामला ये है कि आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से एक छात्र की टीम, जी हाँ, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से 20 छात्रों की टीम जिसमें छात्र छात्राएं दोनों थी, वो एसडीएम सैयद रियाज के अंडर कुछ ट्रेनिंग लेने आई थी, रूरल डेवलपमेंट के सिलसिले में कुछ सीखने आई थी। गांव एरिया में जाना था, उनको भ्रमण करना था, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट निकालना था और अपने रिसर्च के लिए उपयोग करना था। इस मकसद से छात्र छात्राएं यहां पे आई थी। सैयद रियाज ने क्या किया, आईएएस ऑफिसर जो सैयद रियाज है, उन्होंने एक पार्टी दिया। जी हां, अपने घर में रात में एक पार्टी दिया। वो शराब पार्टी थी, डिस्को भी था, सब था उस पार्टी में और सारे स्टूडेंट को इन्वाइट किया गया। आपको बता दें, छात्रा ने अपने बयान में कहा है, उन्होंने, वो मीडिया के सामने नहीं आई है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे शुरू से ही वो गलत नज़र से देख रहे थे, थोड़ी नज़र सही नहीं था, लेकिन लास्ट में रात में ऐसा हो गया कि पार्टी में सिर्फ बहुत कम लोग बच गए थे और उस कम लोग में वो उन्होंने मुझे साइड में वो ले गए और अश्लील हरकत की है, गलत तरीके से छूने की कोशिश की है, अश्लील और गंदी बातें करी है, दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की गई है, गलत बहुत, काफ़ी हद तक बहुत कुछ मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं बचते हुए वहां से भागी और अपने दोस्तों के साथ दूसरे दिन महिला थाना में जाके मैंने इसकी शिकायत कराई। बहुत मुझे डर था कि कहीं आईएएस ऑफिसर है, संज्ञान लिया जाएगा या नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाकर महिला थाना में दर्ज कराया और इसके बाद अच्छा चीज़ देखने को ये मिला। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक तरफ आईएएस ऑफिसर पे ये आरोप लगता है, लेकिन एक तरफ वही दूसरी तरफ जो एसपी है वो भी यूपीएससी करा कर किया है, उन्होंने फौरन एफआईआर करके पूछताछ कर हिरासत में लिया, पूछताछ किया और 2-4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ये भी कहीं ना कहीं एक प्रशासन की सफलता भी दिखाती कि आप चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आप बड़े बड़े अधिकारी हो, अगर आप दुष्कर्म करते हैं, आप गलत करते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, फौरन हिरासत में। इसके साथ ही एक आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ा पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा होता है, ये बात तो सच है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी और महंगी किताबें पढ़कर ही वो यूपीएससी क्रैक किए होंगे, लेकिन लगता है उन्होंने शिष्टाचार का थोड़ा सा भी एक वर्ड, शिष्टाचार का शब्द भी पढ़ना शायद भूल गए होंगे। उनसे कहीं ना कहीं एक बहुत ही सभ्य समाज का निर्माण की उम्मीद थी, तभी यूपीएससी ऐसे लोगों को चुनकर भेजता है ताकि एक सभ्य डेमोक्रेसी और लोकतंत्र मजबूत हो, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, लेकिन अगर इतने बड़े रक्षक ही बक्षक बन जाए तो फिर उम्मीद किससे किया जाए, और खासकर जब आईएएस ऑफिसर देश का सर्वोच्चम जो सरकारी नौकरी कहा जाता है, सरकारी पद कहा जाता है, वहां के बैठे हुए अगर आईएएस ऑफिसर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोच विचार करने वाली बात है कि आखिर यूपीएससी कौन क्या एग्जाम लेकर कंडक्ट कराए, क्या कैरेक्टर का भी अब अलग एग्जाम होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अब मिलना चाहिए। यार, जो भी अपडेट है हम आपको लगातार जीएन भारत में देते रहेंगे। मैं शिखा श्रेय अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।